हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड ब्लॉक। एंड फॉर सेटअप के लिए मैंने पिजन का ये इंडक्शन कुकटॉप मंगवाया था। मैंने सोचा इलेक्ट्रिकल है सो इजी टू यूज़ होगा, बट फॉर मी एज अ फ्रेशर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये भी है कि आपको सेम यूटेंसिल्स यूज़ करने होते हैं, ईदर फ्रॉम द सेम कंपनी और इधर फ्रॉम द फॉर द सेम स्पेसिफिकेशन, कि परफेक्ट साइज होना चाहिए। एंड जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सो इस सर्कल के अंदर अंदर होना चाहिए, फिर एज सच कुछ कंडीशंस थी। एंड सो मैं एक कुकर भी लेके आया था, नॉन ब्रांडेड कुकर था जो कि इंडक्शन के लिए ही यूज़ होता है, बट वो इस पर वर्क नहीं किया, पता नहीं क्या था। यूज़र मैनुअल पढ़ लिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो आई थॉट कि इसको रिटर्न ही कर देते हैं। मैंने रिटर्न में डाला आज अमेज़ॉन पे, आई बुक्ड इट फ्रॉम अमेज़ॉन, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। सो देखते हैं क्या होता है। एंड आई एम लुकिंग फॉर बाइंग द न्यू स्टोव, गैस वाला स्टोव, क्योंकि वो इजी टू यूज़ होता है एंड कंपेरेटिवली हम सबके घर में यूज़ होता है। सो इनिशियली एज अ फ्रेशर, अगर आप एज अ बैचलर रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, सो वो ज़्यादा कंपेटेबल रहता है एंड ईजी टू यूज़ रहता है। सो देखते हैं how it goes.